Hello students, welcome back in the next session of environmental science. Students, in previous session we have discussed about the question answers of chapter number 3, and today I am going to discuss the question answers of chapter number 4, that is growing up. Chapter number 4 ki exercises maine kara di thi. Today aaj hum uske question answers ko yahan pe discuss karenge. In question answers ko aapko आपकी कॉपी में करना है बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ सीडलिंग. जैसा कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि सीडलिंग क्या है, पढ़ा था ना कि सीड से एक छोटा प्लांट होता है, वो प्लांट से बड़े प्लांट में कन्वर्ट होता है. हमने सीड का ग्रोइंग अप देखा. तो सीडलिंग क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सीडलिंग क्या होता है. तो आंसर है व्हाट द सीड फर्स्ट ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट कॉल्ड सीडलिंग. यानी कि जो बीज होता है वो जब हम उसको मिट्टी में लगाते हैं तो वो एक छोटे पौधे में उगता है. तो उस छोटे पौधे को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं. जब सीड हम लगाते हैं, सीड छोटे पौधे में उगता है तो उसको हम सीडलिंग कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और क्या क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, हमने इस चैप्टर में बर्ड का ग्रोइंग पढ़ा था ना. तो नेक्स्ट हमारा उसी से है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम वेयर डज अ नेस्टलिंग कम आउट. यानी कि नेस्टलिंग कहाँ से आता है, तो हमें ये बताना है. नेस्टलिंग यहाँ से मैंने बताया था ना, बर्ड के ग्रोइंग में पहले एग होता है, फिर एग टूटता है, जो टूटता है उसमें से चिड़िया का बच्चा जो है निकलता है, उसी प्रोसेस को हम नेस्लिंग कहते हैं. और फिर वही चिड़िया जो छोटी रहती है, चिड़िया का बच्चा, वो बड़ा हो जाता है, वो बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हम आंसर देखते हैं. आंसर नंबर 2 इज नेस्लिंग कम्स आउट व्हेन अ टाइनी एग हैचेस. यानी कि नेस्लिंग तब आता है जब छोटा अंडा टूटता है. छोटा अंडा जब टूटता है तब नेस्लिंग बाहर आता है. तो नेस्लिंग कहाँ से आता है पता चल गया ना, जब छोटा अंडा टूटता है तो वहां से नेस्लिंग आता है. और क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में, हमने ह्यूमन बींग्स का ग्रोइंग पढ़ा था. यानी कि स्टूडेंट्स पहले बेबी होता है, वो बेबी से फिर चाइल्ड में कन्वर्ट होता है, चाइल्ड से अडल्ट में, अडल्ट से ओल्ड मैन में, है ना. ह्यूमन का भी ग्रोइंग हमने दिमाग में एकदम अच्छे से याद रखना है. तो हमने यहाँ प्लांट्स का ग्रोइंग पढ़ा, उससे क्वेश्चन किया. अब हमने क्या किया, नेक्स्ट बर्ड के ग्रोइंग से क्वेश्चन लिया. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि जो सीड होती है वो कन्वर्ट होती है सीडलिंग में, और सीडलिंग किस में कन्वर्ट होती है, प्लांट में. यानी कि सीड बड़ा होके सीडलिंग बनता है जो कि छोटा पौधा होता है. सीडलिंग किस में कन्वर्ट होता है, किस में बदलता है, प्लांट में जो कि बड़ा पौधा होता है. फिर हमने क्या पढ़ा कि एक छोटा एग किस में कन्वर्ट होता है, नेस्लिंग में. नेस्लिंग क्या होता है, छोटे अंडे का टूटना और चिड़िया का बाहर आना, यही प्रोसेस होता है नेस्लिंग में. और वो नेस्लिंग यानी चिड़िया का जो बच्चा है वो किस में कन्वर्ट होता है, बर्ड में. किस क्या पढ़ा हमने, एग छोटा एग होता है, फिर वो टूट कर उसमें से चिड़िया का बच्चा निकलता है, और वही चिड़िया का बच्चा बड़ा होकर बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. हमने पढ़ा ह्यूमंस में, ह्यूमंस में पहले छोटा बेबी रहता है यानी छोटा बच्चा रहता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, चाइल्ड में. चाइल्ड यानी कि आपके जैसे बच्चे. फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, टीनेजर में. टीनेजर यानी आपके भैया और दीदी जैसे. और फिर उसके बाद वो किस में बदल जाते हैं, अडल्ट में, यानी कि आपके पापा और चाचू जैसे. फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, एक ओल्ड मैन में. ओल्ड मैन यानी बुढ़े आदमी में. ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम गर्ल्स का भी पढ़ते हैं, वो पहले बेबी होती हैं, फिर चाइल्ड हो जाती हैं, फिर उसमें टीनेजर यानी आपकी दीदी जैसे हो जाती हैं, फिर अडल्ट लाइक योर मॉम यानी आपकी मम्मी की तरह हो जाती हैं, फिर वो किस में चेंज हो जाती हैं, आपकी ग्रैंड मदर आपकी दादी में. ये आपके बुक के 2 क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे करा दिए आपको बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में. इसको कंप्लीट करना है और मुझे सेंड करना है.
Okay, student, that's all for today. Till then, take care of yourself. Thank you so much.